हमारी तरफ से उनके घर वालों की तरफ से अरे इंडिया में कैसा रह सकती मेरे पापा जो है उनका इंटरनेशनल ज्वेलरी का कारोबार है पांच पांच शोरूम है ज्वेलरी शोरूम है पूरे हैदराबाद में बात सिर्फ भयघन की करते है भाई बता लेता नहीं मैं देखा क्या क्या करना है भाई जो हमारे को है फेमस है गोल्ड का बिस्किट का कारोबार है प्लस पर्ल्स रूबी एमरल तो आपको सिल्वर ए से लेके जी तक का क्या होना बोलो तो मिल जाए मेरे घर वाली उधर ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है इनको एक यूट्यूब पे प्लस इंस्टाग्राम प्लस अपना टिकटॉक जो बाहर चल रहा है वो दुनिया के फैन है इनके हेलो एंड वेलकम टू हेलो पॉडकास्ट और प्रीकेप में आपने देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की है तो शुरू करते हैं भाई और भाभी जी नमस्कार सबसे पहले तो कैसा लग रहा है बिग बॉस के बाहर आके एक हाईफाई जेल से बाहर आ गए अपने आप में नहीं हूं मैं मैं मेरी घरवाली मेरी बेटी इन सबके साथ हूँ और जो मन चाहे वो खा रहा हूं बेहतरीन तरीके से अभी भी थोड़ा सा खौफ बाकी है मेरी घरवाली एक बार टेस्ट करेंगे बोल के

तो हमारा जितना भी कारोबार है हमारे फिक्स कस्टमर है फैमिली के जैसा रिश्ता है तो एक ग्रिक आए थे यू से तो उस टाइम पर मैं एकदम टिप टॉप बेहतरीन जिम विम जाके वो शेप में रखे हाँ माँ हाँ माँ हाँ, बोले थे पप्पा के बाजू कारोबार सीख रहा था वो उस टाइम पे तो बेटा आपका है कि हाओ आखिरी बच्चा है मेरा फिफ्थ सन आप देखो बच्ची इनके लेवल के बाबा ऐसी ऐसी मजाक में बोल दी वो ग्राहक उसको सीरियसली ले ली गई इनकी जो बहन है वो यूएस में रहती उन्हें एक रिश्ता लेके आई तो पहले हम दोनों को एक्सेप्ट था फिर बाद में

nothing. I will marry myself. So family, what it will be do? Or I run crying. I want to marry. I want oh, to marry. <laughs> yeah. ah. Oh, wala pya. He run from her home. I will. I will tell him. <sighs> he run from her home and he come my room and he say just I do engagement. Okay. After that he plan every paper for shadi. After Direct, hello. Oh, I want to shadi now only. My family, what we do? I always cry. Last time for a signature, my family say no do. We can not do. Wait, just engagement. I say no, I will do, and I do. When did you guys meet? Like in India or in my country? In India. Oh, wow. और उसके अलावा कहीं ना कहीं अब एक फॉरेनर को डर रहता ना भाई कि इंडिया भी में, भी में कैसा करते लोग क्या करते अब कहीं ना कहीं कही उनके दिमाग में छवि बैठी हुई थी कि अभी भी शाम के सामने बीन बजाते वो ये तो माए बोला ये सब बात आ नक्खो बेटे आओ जरा हिंदुस्तान को आगे देखो हिंदुस्तान कितना तरक्की करके बैठा अभी वो ख्यालत नको रखो और इन्हें भी जितने भी इनके ब्लॉगा रहते जितने भी रहते हैं इं� इंडिया को तुम जो समझ रहे गाय जिधर बोले उधर गोबर कर देता रोड पे जाता है इधर आओ बेटे बोल के इन्हें भी बहुत सारे वीडियोस में बताई अपने हिंदुस्तान को वो लोग ओ माई गॉड सच में ये इंडिया है वैसा है वैसा है वो लोग कुछ शौक my है माई फैन ही वॉज आस्किंग मी हाउ यू गो इंडिया हाउ यू लिव इन इंडिया इंडिया नहीं अच्छा है सो so yes. so yes. आई से हैव सम पर्सन आल्सो लिविंग इन अमेरिका एंड नॉट हैप्पी वेन यू लिव विद पर्सन हो यू लव यू विल बी हैप्पी नॉट कंपल्सरी द प्लेस इंडिया एनी प्लेस बक्स देन जस्ट कंपल्सरी हैप्पीनेस इज कंपल्सरी सो दैट्स वाई आई शायद यार प्यार प्यार ही होता है वो चाहे इंडियन हो या अंग्रेज हो

I will come my For country. Marriage. I take you. No. Oh, just to take you back. No, no, Shadi, no Shadi Arun. I say no, me mer gaya. If no Shadi Arun. But एक बात पूछ रही है आपको Arun भाई में क्या सबसे बात अच्छी लगी कि आपको लगा कि नहीं यार मेरे बाहर I किसी लड़के में नहीं होगी इसमें है। I will tell you. Uh, I'm famous, ना? Right? I know how is people famous. I want someone love with me. Mera love. How is it me? How I'm um, in this Zindagi. not love how much i have following not love how much i am famous he don't know i'm famous he loveth me how is i am that's what i wanted that is i'm search who is loved my reality not my uh, yes. famous so i catch he loved me so I, I love that person so i needed him in my Zindagi. मतलब बोलना यह है कि इनका फॉलोअर्स है इनका जो जो भी है बैकग्राउंड फैमिली वेल्थी है, है वो है ये है ये सब नहीं देख के खाली लड़की को देखा उसका दिल देखा तो मैं मैं जो भी करा दिल से करा इनको पसंद आया तो मैच हुआ तो मतलब इनकी फैमिली ये पहले से फेमस थी? अरे इनका स्रे, स्रे, इने, इने कहीं भी भी रोड पे जाना पकड़ पकड़ लेते लेते और लगे हाथ मेरे को भी पकड़ लेते। कलर तो काला है मेरा देख के फेसका इनका मीडिया को, को बोलो बोल के पीछे औरत का आते वाक्य में है अमेजिंग <laughs> भाई आप गेमिंग एज अ प्रोफेशन हमारी ऑडियंस हमारा पॉडकास्ट की ऑडियंस ना बहुत फैमिली uh, भी है पेरेंट्स भी देखते हैं कुछ लोगों को गेमिंग एज ए प्रोफेशन अभी भी समझ नहीं आता पहले तो गेमिंग को एज ए प्रोफेशन जो नहीं मानते वो लोगों को एक मुंहतोड़ जवाब मैं दे चुका हूं ऑलरेडी कि बिग बॉस के घर में आया एज ए गेमर और ये पहला गेमर है जो बिग बॉस के घर में आया है कोई भी प्रोफेशन को हल्के में नकोले नकोले बड़े भाई जहां पर भी अपन काम कर रहे मेहनत है उसके पीछे और दिल नियत साफ रखो सौ दरवाजे खोलते बड़े भाई। तो कोई चीज को हल्के में नहीं सबका काम बराबर है सब चीज में मेहनत लगती बट भाई गेमिंग इंडस्ट्री में लोग कैसे कमाते हैं और कैसे गेमिंग इंडस्ट्री वर्क करती है आईपीएल होता है अपने इंडिया में वैसे अपने हर एक सिटी का एक एक टीम है उन लोगों के बीच में भी टूर्नामेंटा होते हैं एक लाख से लेकर दो करोड़ तक का टूर्नामेंटा होते विनिंग प्राइस रहती है उनकी भी ट्रेनिंग रहती है उनके पीछे भी मैनेजर रहता है उनका बहुत बड़ा आखिरी नेक्स्ट लेवल कॉर्पोरेट लेवल का समझ करोड़ दो करोड़

एक बार मुंबई की टीम जीत गई मतलब बंबई की टीम बल्कि मैं स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहता हूँ एक बंबई की ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बार जीत जाती एक बार दिल्ली की और भी और जीत जाती एक बार हैदराबाद की तो ऐसा अलग 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 इन लोगों का टूर्नामेंट रहता चार महावीर या चार दिग्गजों को उतारते एक हैदराबाद की टीम से रिप्रेजेंट करके अगर कोई भी बच्चा या बच्ची इसमें टैलेंट है वन वी टू वन वी फोर इजीली कर ले रहा तो उसका तलवार और तेज़ कराते जो जंग लड़ता उन्हें तो वहाँ कहीं ना कहीं गेमिंग में उनको अगर आगे फ्यूचर दिखा तो टीम उनको रिक्रूट करती और उनको सैलरी बेस्ड रहता उनको प्रमोशन रहता है उनको सब आगे हल्लू मेहनत करके आगे जाने का रहता तो एक भी टूर्नामेंट मार दिया जीत गया तो जिंदगी भर नाम हो गया कि नहीं ये गेमर है इन्हें बेहतरीन है इसके सामने टिक नहीं सकते वन वी फोर कर देता क्या बात है यार मैंने ये भी सुना है कि गेमर बच्चे देख टू टेन लैख रुपीज मंथ और ऐसा सब पैसा भी कमाते मतलब दस बीस तो यू ही निकल जाते हैं मैंने भर में जो बोल रहे ना हाथी के धान दिखाने के अलग रहते हैं खाने के अलग रहते हैं दस बीस तो यूं आंख बन करके निकल जाते अब बात कर रहे हो दस बीस लाख रुपया <laughs> you know, uh, गेमिंग हल्का नहीं हल्का गेमिंग अभी कहता ना भाई अब पेरेंट्स भी अपनी जगह एक बात सही है पेरेंट्स ये सोचते कि बाप इन्हें गेम खेलेगा तो तबाह कर दे रहा टाइम नहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी भाई एक रूल लागू है कि छः घंटे से बढ़ के नहीं खेल सकते बरोबर तो छः घंटा एक लिमिट है छः घंटे में अपन क्या करना है कर सकते ना भाई छः घंटे में तीन घंटे दे दो सही बात है एक लिमिट भी है गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं कि उन्हें बर्बाद कर रहा उसके पास स्किल है तो उन्हें आगे बढ़ सकता नहीं है तो कब चुप बढ़ जाता एज फन एज एंटरटेनमेंट खेल के कब चुप बढ़ जाता आप कैसे आए भाई मेरा तो सब सब जबरदस्त है बचपन से गेमिंग कर लेते बेटा मैं 2007 से स्टार्ट करा मैं गेमिंग। स्टेशन टू फिर, फिर प्ले स्टेशन पोर्टेबल पी एस पी आया फिर वो गेम बॉय ऐसा ऐसा करके पी एस फोर पी एस फाइव कंप्यूटर लेकिन ये ये चीज़ ना मैं ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल पे नहीं था खुद का था डिप्रेशन में था पापा जब गए फिर मेरी वाइफ मेरे को बहुत हेल्प करी तू गेमिंग स्टार्ट कर मेरा मतलब जो एक्सेंट है जो स्टाइल है जो अरे आगे फोड़ दिया रे तेरे भाई को फोड़ के चल जा रहा क्या कर रहा तू <laughs> जो वो क्या कर सो रहा रे तू क्या रे रे बोल के अपन जो जोश सोराश जो 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 पे रिएक्शन लोगों को अच्छा दिखता ये चीज गेमिंग का तो क्या है दुनिया को पता है कि यूट्यूब के जरिए तो चलो ट्राई देंगे बोल के इसी तुक्के पे स्टार्ट कर दिया था नाम भी सोचा क्या रखू क्या रखू क्या रखू तो मेरी क्रिकेट की टीम है अचानक भयानक तो मैं क्या कर रहा अचानक भयानक गेमिंग बोल के दाल खत्म खतम फ्लो फ्लो में गिर 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 चल रहा था फिर उतने में जब मेरी बेटी और मेरी घरवाले का जो सपोर्ट था और मेरी लक्ष्मी के जो घर में कदम पड़े यहाँ से साना नाना ना पीरी दीदी ऊपर ही रुकने का शॉर्टेज नहीं है हाँ और हर एक कंटेंट में हर एक वीडियो में एक कहीं ना कहीं फॉरेनर हिंदी कैसा बात करता एक पॉजिटिव वाइफ समझो एक फ्लर्ट करने वाला हस्बैंड इन्हें घुमा फिर आगे हल्लू अड़ी में दे देते शॉट आ गए एक आध जोरदार भी पड़ जाता अब कैमरा के सामने अरे जोर से लग गया अभी रिएक्शन नहीं कर सकते इन्हें मौके का फायदा मौके पे चौका अरुण ही वाज स्केयर अबाउट कैमरा ही वाज स्केयर ही कैन नॉट स्टैंड नियर कैमरा अरुण पहले पहले शुरुआत में कैमरा फेस बहुत था स्टार्टिंग वी वर्क 10 10 टेक 15 15 टेक तो इन्हें ही मेरे साथ अरुण

और आपका वीडियो 2021 में मैं देख रहा था और हैदराबादी में लैंग्वेज में बोल के आ रहा है क्या yeah, <laughs> तो तेरे चालू रख के और गेम खेलते हैं अठारह घंटे सोलह घंटे बारह घंटे नौ घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग सोचा अब मैं ऐसा गेम खेल रहा हूँ भूख लग रही जानू इडली खिला आ करा मेरी वाइफ खिला रही आ करा एक बार दाल चावल मेरी अम्मा खिला रही

ममरे यार कितना मजा आता है पति पत्नी बच्चा गेम खेलो यार गेम खेल रहे हैं <laughs> योर करियर आपने अपना करियर पूरा अपने हस्बैंड को दे दिया कि आप करो आप करिए आप आप गेमिंग चैनल शुरू करिए या व्हाट डू यू थिंक कि क्यों किए आपने लाइक कि आपको क्या लगा कि नहीं यार गेमिंग कर लेगा या आपको लगा कि नहीं यार अरुण जो भी करेगा सही करेगा नो व्हेन आई एम विद हिम I understand my husband have something, have in game. He like it I so much. Passion. Yeah. Okay, yeah. he have some game, so he like that. So, chalo, I will help him. I will make. I say Arun, we are one follow. We'll make one million for Just roko, roko every time. I get up from bed. Chalo, we'll do a video. Chalo, your time now. We have to work Arun for us. We have lerki na. So, really, very. एक बीवी पति को उठा के गेम फॉलोअर एक एक से अभी दुनिया का क्या डर है बड़े भाई जब मेरी जोरू मेरी बेटी मेरी अम्मा मेरे घर वाले मेरे साथ है तो मेरे को क्या डर है बोलो खासकर मेरी जोरू और मेरी बेटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैं क्या भी कर रू इनके सामने कर रहा हूँ और कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो उसमें डर नहीं है सही हो इनका लड़किया गर्ल्स फैन है एक गलत कदम सल्तनत खत्म <laughs> एक, एक गलत कदम सल्तनत खत्म ऐसा हिंदी में मैसेज लिखा हुआ किसी ने आ, एक मैसेज देख मैसेज का नहीं भाई हा? अब मैं इनको क्या बताऊं अम्मा मैं तबाह हो गया मेरे को भाई कोई है ऐसा ऐसा कोई <laughs> वाक्य है कि मतलब तो कोई फैन हो और इसने झाड़ दी हो क्रेजी <laughs> फैन का, का तो छोड़ो जी मेरी कजन बहन भी फोन करी लाउड स्पीकर पे डालो लड़की कौन कौन ओ तेरी कहे को कॉल हुआ चाहे huh? <laughs> <laughs> cool, okay. तो तो वो फॉरिनल जैसा मतलब हम बोलते हैं इंडियन वाइफ है बहुत पॉजिटिव है हर वाइफ पॉजिटिव होती है मैंने देखा था बिग बॉस में बहुत ही इमोशनल सीन था वो जब ये आपको बेबी के बारे में बता रही थी और आपका क्योंकि आपकी सच्चाई और वो जो ओरिजिनल पंथ है ना वो बहुत पसंद आया और ये इतनी स्ट्रांग दिखी ना तब ये इतनी स्ट्रांग दिखी ना वरना जिसके साथ माँ माँ के साथ हुआ होता ना वो तो आधी ऐसे हो जाती है और ऊपर से पति नहीं साथ में बट यू आर वेरी स्ट्रांग सच में मतलब ऐसा लगा, लगा कि जब ये आई ना तो ऐसे लगा येस अब ये बंदा क्यों चल रहा है क्योंकि उसकी बैकबोन बड़ी स्ट्रांग है और वो आप हो है ना चलिए हमारी आपको दुआ है कि जल्दी जल्दी जो भी जल्दी जल्दी आप चाहते हैं जो भी बेबी बॉय बेबी गर्ल हो वो फिर से हो जाए और बहुत तंदुरुस्त और प्यारा सा बच्चा हो और हमें भी दो ब्लेसिंग हमें भी ज़रूर अरे जरूर बिल्कुल हमारा लड़का हो गया अब हम लड़की चाहिए बेबी है ना बेटी कैसी होती है भाई बताओ आप बाप को सुधार देती है मैं एकदम ऐसा गाड़ी था कि इधर चला यूं यूं मतलब कि लैंग्वेज तो गेमिंग में तारागा, 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 आप लोगों को मालूम है कि तो सिचुएशन पे गाली निकल जाती है।, है जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं कैच छोड़ देते ओए ये क्या कर दिया तो ये हम गेमिंग में भी हम बोलते रहते तो एक लैंग्वेज को कंट्रोल बेटी घर की रोटी और एक बाप को बेटी सुधार देती तो ये बच्ची मेरे को सुधारती बेटी होने का एक अलग एहसास है क्या बात है बेटी वही अभी हमको भी एक अगली बेटी हो जाए ताकि ये भी सुधर जाए आपका डायलॉग है मैंने कोई रील देखी जिसमें अब बातें गाली वाली देते रहते हैं आप गेम खेलते खेलते तो आपके कुछ स्लैंग है गाली वाले अब हम तो बोल नहीं सकते बीप कर देंगे लेकिन वो क्या है वो अरुण भाई बोलते आपको सबसे ज्यादा मजा किसको आया साउंड वाले दादा को क्योंकि उसको डायरेक्ट इधर उसको ही सुना ना तो उन्हें झटका खा लिया होगा बिग बॉस में भी एक दो लहरा निकले थे इनके जानू हल्लू परेशान विक्की भाई, भाई आपने बोला नो नो देविल बीप, देविल बीप। उन्होंने बीप नहीं हमने पूरा सुना आ, लाइव में पूरा आया था लाइव में पूरा आया था सिर्फ टेलीकास्ट में बीप आया था करेक्ट विक्की भाई एकदम ऐसा होगा विक्की भाई सुनते ये क्या था भाई बोल के भाई ये जो आपकी लैंग्वेज है और जो टोन है हैदराबादी टोन मेरी जिंदगी में आई मैंने जब एक फिल्म देखी द बिरयानी का सॉन्ग है बिरयानी बिरयानी हाँ। वो फिल्म द अंग्रेज दुनिया की सबसे फनी फिल्म है अगर आपको कॉमेडी लिखनी है तो वो फिल्म देख लो आप समझ जाओगे कॉमेडी होती क्या है भारतीय अमेजिंग और उसमें हर एक एक्टर सलीम फेकू इस्माइल भाई जहांगीर क्या उनके डायलॉग्स क्या सीन्स क्या ये लैंग्वेज ही इतनी फनी है जी जी अब ये अब एक चीज का मैं बताना चाहता हूँ अंग्रेज पिक्चर ऐसा है हैदराबादियों के लिए कि कीरा फेरी जैसा पहला पिक्चर निकला है सेम टू सेम जब भी आप देखोगे हंसोगे तो उनकी एक जो लहजा है जो स्टाइल है कोई चीज को कंट्रोल नहीं है एक फनी वे में कोई गाली नहीं है पिक्चर में आ, तो एकदम एक फ्री फ्लो दोस्त से कैसा बात करते हैं वैसी बात करते हैं सब फ्री <laughs> कोई और सब स्पॉन्टेनियसली जितना भी है ऑन दी स्पॉट निकला हुआ है वो कोई स्क्रिप्ट का मसला नहीं है कैमरा स्टार्ट करे ऐसा सीन है तो इसमें ऐसा बोलता हूँ ऐसा बोलता ऑन दी स्पॉट करे सर क्या बात करें हाँ तभी वो बात ऐसी है कि उसके बाद ऐसी इतनी, देखें दे। हाँ। तो इतनी निर्दोष फिल्म है ना वो <laughs> बहुत क्यूट फिल्म है यार भाई हैदराबाद तो बहुत सुंदर है बहुत साफ सुथरा शहर एयरपोर्ट कितना अच्छा है तो आप शुरू से हैदराबाद में ही रहते थे हाँ पैदा मैं कर्नाटक बीदर में हुआ लेकिन बड़ा पूरा हैदराबाद में हुआ तो उस वजह से मेरे को तेलुगु भी आती क्योंकि वहाँ का स्टेट लैंग्वेज है हैदराबादी क्योंकि ओल्ड सिटी चार मीनार हैदराबाद तो हैदराबादी आती तेलुगु आती कन्नड़ा आती तो शुरू से हैदराबाद में समझो सब इधर का भी खाके उधर का भी खाके तो हर जगह का खाके के आपको लैंग्वेज में इनिशियली बहुत लोगों ने कोशिश की कि आपकी लैंग्वेज रूड है रूड है तो आप आपको कैसा लगता था वो टाइम पे आपको लगा था भाई मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ अब मेरे को ऐसा दिखा बिग बॉस के घर में अरे ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये तो मैं बाहर जब मैं बोलता था तो कॉमन था यहाँ आते जिसको आम का जाम बता रहे, पाक, पाक दे रहे आग किस पाक पाकिस्क आग पाक खरे पाक बोलते रहे देखते देखते यू 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 अरे मैं ये नहीं बोला वैसा बोला ऐसा नहीं वैसा बोला बोल तो मेरे को बदनाम करने को बैठे थे मेरे लैंग्वेज को अबाब बाबा अबा, 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 शुक्र गुजार हूं मैं सलमान भाई का और तब्बू मैम का जो आके हैदराबादी तब्बू मैम बात करे एक वहां पर एक गीला पचकड़ पड़ गया जो बदतमीज बदतमीज बोल रहे थे खासकर सना का नाम लेना चाह रहा हूँ ओपनली आके आखिरी जब वो अपना था फिनाले के दिन आप दोनों थे मेरे पीछे ही पड़ी थी फिर उन्हें मेरी लंका लगाने अरे मैं क्या करा अम्मा तुम्हारे को देख रहे तो क्या करा मैं तुम्हारे को कहीं को तो भी मेरे पीछे पड़े तुम और इसके अलावा सलमान भाई भी बोले कि इनका लहजा ऐसा है ये स्टाइल है ये रेस्पेक्टफुल वे में बात करें अभी तक कोई गलत बात नहीं करे फिर भी मेरे को क्योंकि कोई थर्ड क्लास काम करा नहीं अपना डिग्निटी गिराया नहीं लेवल के नीचे गया नहीं कोई थर्ड क्लास काम करके तो उनको उंगली उठाने को कोई मिला नहीं तो लैंग्वेज को बदनाम करके इन पे बिल फाड़ रहे थे मेरे पे लोग लेकिन यार हमको तो लैंग्वेज बहुत फनी लगती है और बहुत बहुत ऐसा उस लैंग्वेज में बात है दो ही लैंग्वेज है जो मेरे को लगता है कि जिसमें आप नॉर्मल बात बोलोगे तो भी कॉमेडी हो सकती है एक पंजाबी और एक हैदराबादी जी मेरे को ना कभी कभी मैं बिग बॉस देखती थी ना तो मुझे कभी कभी मेरे को ना मेरे को सच में आपको देख के लगता कि इस बंदे को ना कोई छेड़े ना ऐसा लगता था कि ये चुप रहता है इसको छेड़े ना और इसके मुंह से ऐसा लग रहा कि निकल गया तब भी ठीक है अंदर रहा तब भी ठीक है ऐसा ही था ना भाई मैं कुछ भी बोलो लोगों को फूलो जैसा लगता हाँ सच में मेरे को ऐसा लगता था कि इसको कोई छेड़े ना मैं अपना करने दो काम मुझे बट भाई मैंने देखा कि सबसे ज्यादा आपकी मुनवर के साथ नहीं बनी तू ऐसा क्या क्या नहीं जमता था मुनोवर के साथ तो पहले दिन से अच्छा था सब कुछ लेकिन जब इम्यूनिटी टास्क आया था जबकि दम के कमरे में से विक्की भाई के पास अभिषेक अनुराग कोई आया नहीं सिर्फ मैं दिमाग के कमरे में मैं कैसा तो भी बातों में लपट दिया था कि ऐश्वर्या जी आप मेरी बहन है भाभी है बोल के मेरे को एक मौका मिला वहाँ पर इम्यूनिटी में ठहरने का और नील भाई को दिल के कमरे से तो वहां पर मेरे को और नील भाई को इम्यूनिटी मिलने का था तो पूरा घर खिलाफ था कि बैगन पूरे नील 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 बोल रहे अरे मेरे लिए कौन चिंटू अकेला प्लस मुनोवर ये दोनों

तो कहीं ना कहीं शायद मुनोवर का कोई कान भर रहा था पीठ पीछे या मुनोवर को ऐसा लगा कि मैं पीछे प्लानिंग कर रहा रू प्लॉटिंग कर रहा रू जबकि जो था थाने जब दोबांग सर जब इंटरव्यू लिए थे जब मैं ओपन अप किया था कि मुनोवर को मेरी तरफ से तो हमेशा हाथ आगे था लेकिन उसकी तरफ से पीठ पीछे कहीं ना कहीं एक सोच थी कि अरुण कुछ कर रहा पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा प्लॉटिंग कर रहा ऐसा सोच रहा था लेकिन वो क्लियर हो गया तो मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल था कहीं ना कहीं मुनावर की तरफ से येल्लो था रेड नहीं था येल्लो था सोच में था कि नहीं सही है नहीं है सही है नहीं है जब भाई अंदर थे आपने इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ इतनी मेहनत की इतने कोलैब्स किए जब तहलका भाई भी बाहर आए तो उनके साथ भी मीटअप्स किए इतना सब कुछ When I am three big boys, ah. I already tell him, hmm. Arun, I'm back. You just stay, play good. I'm back. No tension outside. I will do very good. No tension. I will do well. Just you play. अच्छा है. I'm back. Voting. No tension. I will do everything for you.

Not talk talk? about how how he 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 can can He's not in game, so how he can talk about her. Right. So her? that's why I I give him him bad words. And <laughs> again will <laughs> will call say Antri show him inside. <laughs> पहले तो को क्या कम पड़ा कुछ गलती करा तो बात कर बेटी जोरू जोरू अरे ये लगा क्या करे भाई मैं हूँ घर में मेरे से बात कर मेरे से लड़ घुमा फिरा के पर्सनल चीजों पे जाना ट्रिगर करना पूरा नाम 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 तो कमाया नहीं नहीं गया जो जो बोल रहे हैं लोग दुनिया के जो करा उन्हें अंदर जो सच था वो दिखा है। रियाल, आप छुपा छुपा सकते सकते थोड़े दिन हल्लू 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 अंदर का जो चीज है बाहर आ जाता तो बाहर आ गया लोगों को भी मालूम पड़ गया उनकी की आदमी है कैसा <laughs> not, not not भाई लेकिन अब पूरे घर में आपकी तहलका कैसे बनी अब देखो भाई थोड़े लोग है कि तहल का अरुण जो है एक ही बिस्तर पे बैठ के सोते रहते थे ये जो बात है मैं एक बात बताना चाहता दम के कमरे में अगर तुम एक दस मिनट में गुजा भी गुजारे ना भैया ये हाथ पूरा बर्फ हो जाता था कश्मीर को जैसा ठंडा तो ब्लैंकेट यहाँ तक ओढ़ने का कारण कि कैमरा देख रहा हम लोग सोए हुए नहीं है बड़े हुए कुकड़ू को नको बजाओ ये हमारे को फटी पड़ी हम दोनों की कि हम अगर यहाँ तक ओढ़ लिए तो कैमरा सोचेगा हम सो रहे हमला जिंदा है हम सो रहे नहीं एक ठंड इतनी थी कि रख लिए बात कर लेते बैठे अब बाहर इसलिए नहीं गए क्योंकि रिश्ता मिठा -मिठा तो था, दिल दिल था, था वही जबान पे था तो हम बात कर रहे तो जो था ओरिजिनल था रियल था ऐसा नहीं कि दूसरों में जैसा फेक था हाँ यार तहलका भाई जब निकले ना तो मेरे को भी ऐसा लगा रहा यार खाम खा निकल गए यार बहुत फनी यार तहलका भाई और बहुत ऑनेस्ट ऑनेस्ट वाली फील है पापा पापा जब आपके थे थे। तब आप आप एक अलग जी, करते थे। जी। पापा के बाद आप क्या बदले? पहले तो बाप एक घर का छत होता है जब तक बाप है तो रुआब है। तो जब मेरा पापा का इंतकाल हो गया था मैं बाप गुजर गए थे तो उसके बाद से जिंदगी की धूप लग गई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया एक पैम्पर किड से एक 80 60 परसेंट तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था जिंदगी सीखने का रहता ना हल्लू हल्लू कैसा कैसा चुनौतियाँ आते रहते रिस्पॉन्सिबिलिटी आते रहती बीवी का बेटी का हल्लू 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 जिम्मेदार बनते 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 बिग बॉस में घर में आते उसको हंड्रेड परसेंट करते बिग बॉस उनका तय दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं बिग बॉस का बिल्कुल 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 सच में बा गोल्ड वोल्ड पहनते थे वो टाइम आगे पूरे चार चार हाथा फुल गोल्ड वोल्ड ऐसा रुआब एकदम मेरा बड़े बाप का बेटा वो कहता बाप तीन टाइम का खाना मिल गया इज्जत की रोटी मिल गई घर वाले खुश है बस इससे बढ़ गई बहुत अमीर घर से हो हाँ जी हाँ पांच पांच शोरूम ज्वेलरी शोरूम है, पूरे हैदराबाद में क्या? <laughs> बात सिर्फ की करते सच्ची? <laughs> अमीर. सोने के शोरूम आ, अमीर बता लेता नहीं, नहीं मैं बता लेता दिखा के क्या करना है भाई जो हमारे को है बस है आपने एक भी बार वहां पे बिग बॉस के घर में आपने एक भी बार नहीं बोला इसलिए मेरे को जानना था कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है आगे। आगे। तो खानदानी अमीर है अरे बाप रे तो आपने क्यों बताया नहीं गोल्ड गोल्ड का बिस्किट का कारोबार है सोने के टुकड़े बोलते हैं ना बिस्किट को वो बिस्किट का बुलियन बोलते हैं उसको बुलियन तो बुलियन का कारोबार प्लस गोल्ड ज्वेलरी ऑर्नामेंट प्लस पर्ल्स रूबी तो सिल्वर ए से लेके जी तक का क्या होना बोलो मिल जाता क्या बात है जी सोने का कारोबार है सच में और, और ने एक बार नहीं बताया बिग बॉस में क्यों कभी डिस्कस नहीं किया अब सामने से कोई दिल से बात ही नहीं करता तो क्या बात को लगता हो? था कि बनियान पहन के रखता ही जरूरतमंद होगा <laughs> भाई गेम खेलता और से, से बोले गेमर है तो बोले हम ऑडियंस बोले गेमर ही है ठीक है मतलब क्या ही मैंने सोच भी लिया था की आपके पास गाड़ी होगी सेंट्रो और एक बाइक होगी क्योंकि गेमर है ना और बेचारे को बहुत जरूरत है और आप सोते रहते थे ना तो मैं ये बेचारा गेमर होगा तो भाई खानदानी अमीर निकले नहीं घर में कपड़े ना आने का मेन कारण फैमिली वीक में, में मेरी घर वाली बोली की तेरी शादी हो गया खेल खत्म दुकान बंद और हो यू लुक गुड सकर फॉर होकर बेचारे को हलवाई बना के रखा बताओ वहाँ पे पजामा और बनाइन और माइक पूरा हलवाई नहीं रखा मटर झीले क्या कई को अच्छा है शादी हो गया बच्चे right. हो गया वाइफ हो गया कई को दूसरा अच्छा है कई को वेरी गुड कई को अच्छा आ, है हा, हा, सही बात है <laughs> मैं है। मैं नहीं पहनूंगा अभी <laughs> यार <laughs> बट बहुत 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 परिवार सो जाना हो बस खाओ सो जाओ बस इतने कहते और क्या दूसरा तो ना को कितने साल हो गए आपकी शादी को तीन साल और लव 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 वन ईयर बिफोर वन ईयर छह महीने आठ महीने ऐसा उसके बाद ही शादी आपकी क्या एज है भाई 28 आप बड़े छोटे हो यार अब तो हां हां अंत में यू थिंक हाउ ऑल डू 2026 22 23 <laughs> हैं अरे इतने बड़े लगते हो आप लोग पता है क्यों बोला आपने बच्ची से शादी की भाई अब जेल हो जाएगी ओ <laughs> <laughs> oh. 22 जेल हो ही नहीं सकता ससुरा डीआईजी है जेल में अंदर बाहर उनके मेरा ससुरा ही करता उनके कंट्री में आई लव आयशा जी आई लव आयशा जी आई नो आई डू आई डोंट डू एनी गलत आई लव चलो शादी करो अच्छा मेरे को लगता है दोनों एक सेम माइंडसेट वाले मिले और ऐसा बोला अब भी शादी करो अब भी शादी करो क्योंकि ऐसा कभी नहीं मिलेगा <laughs> आपकी आपके होम कंट्री में आपके फादर कोई डीआईजी है बताया पुलिस पुलिस या जेल में अंदर बाहर करना है ससुरा सिग्नेचर मारा तो अंदर तो बाहर पूरा कंट्रोल जेल का जो जेलर बोलो या और डीआईजी है और मैं That's जब कभी I'm भी strong.

इन इंडिया लाइक दैट नमस्ते 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 के डीआईजी की बेटी नमस्ते सर साइज जाने देना <laughs> अरे यार क्या बात है यार <laughs> यार इतना सही कपल लग रहा है ना मुझे ये भाई क्या प्लान है अब आगे के लोगों का मैं तय दिल से शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि कहाँ था और कहाँ पर लेकर आए हैं यहाँ से जिंदगी बदल गई एकदम से बहुत जल्द आपको अरुण या बैगन या हैदराबादी पोटा आप लोगों को बड़े पर्दे पे दिखेगा तीन बड़े खबरें आए हैं बहुत जल्द मैं रिवील करूंगा क्या बात बस आप लोगों का आशीर्वाद है और प्यार है बहुत बहुत शुक्रिया उसका क्या बात है भाई हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग है और अरुण भाई के हैदराबाद में बहुत सारे नारे भी है हमने सुना जो बुलाया था दिल से वो हमें आधा ही पता है आधा अरुण भाई ने हमको बताया नहीं कहते मेरे फैन से पूछो वो कमेंट करेंगे कि आधा जो बोला है वो आधा क्या है ना हर जो भी गेमिंग के डायलॉग्स है ना अरुण भाई के वो कमेंट करो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी पता है क्या क्योंकि हमको तो मालूम है लेकिन हम बोल नहीं सकते लेकिन लिख जरूर सकते हैं और एक खास मैसेज अपने फैमिली ऑडियंस के लिए जो भी मेरा वीडियोस देखेगा थोड़े बहुत फैमिली फ्रेंडली है थोड़े बहुत नहीं है तो हेडफोन्स रिकमेंड है ये प्लीज ये ना ये ना <laughs> आप अपने मम्मी डैडी के सामने सुबह नाश्ते पे कहे देखो ना और फिर ये गुड मॉर्निंग ऐसी करे कि आपके गुड आफ्टरनून हो जाए आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो आप जाएंगे बोलो आ गया अच्छा मतलब बोलती हो गई तो गाली जो देते हैं यार दोस्त में तो बहुत ऐसा कैजुअल रहता है लेकिन शोज वोज में या कभी बाहर जाते हो आपको कोई बैकलेश मिला बोले अरे भाई भाई तो बहुत गाली देते हैं नहीं नहीं कभी नहीं क्योंकि अब तक का जब भी जब कभी भी मेरे मुंह से गाली निकला है लोगों को फूलों के जैसा बरसा समझ रहे हो तो तुम मैं गाली गाली नहीं होती उनके लिए फूल होती है दुनिया के लोग सुपर चैट करते अरुण भाई कल मेरा एग्जाम है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आप गाली दे दो तो, मैं पढ़ तो एक गाली दो अरे ये कौन से लोग आए भाई जो मेरी गाली सुन के मतलब पैसे दे के गाली सुन रहे भाई अरे रे रे, रे बोला, तो गाली गाली नहीं ये फूल हो गई है तो बट नाउ वी आर स्टॉपिंग गाली

गालियां बहन को नमस्कार कर देंगे <laughs> पर मैं बोलूं भाई कि जैसे ये हमारी इंडियन गालियां हैं जो भाभी देती है वो अगर आप बोलोगे ना तो ज्यादा अजीब लगेगी लेकिन ये बोलती है ना और ऊपर से अंग्रेज लोगों को लगता है कि इसने सिखाई होगी इसको बेचारे को पता भी नहीं मालूम भी नहीं होगा मतलब सबको लगता है की इसको क्या पता होगा माँ की जो सिखाया ये साला सिखा पढ़ो इसको मारो इसको वो गाली ही एवरी गाली बारा गाली, शादी ही इंडिया में मैं क्या रहा था एक जगह इमरजेंसी में जाना था मेरे को कार में गए तो ट्रैफिक रहता बोल के मेरी वाइफ को बाइक पे बिठाया भगा रहा बगा वो आते सो रस्ते में कौन की चिचोरा पोटा बोल के कर डाला <laughs> अब मेरे को एकदम यू आता गर्म हो गए टाइट हो गया क्या करूँ अभी लौंडे को रोक के बात करूंगा तमाशा हो जाता घर वाली है साथ में अकेला रहा तो बात अलग चलो देख लिया गया हम हमारा वो ख़त्म कर लिए आ गए सोचा एक दो मिनट के लिए अगर मैं कल के दिन अकेला मेरी वाइफ को छोड़ा तो एक सेल्फ डिफेंस में अब मर्द के हिसाब से उन्नीस बीस का रहता ना पावर तो इन्हें अगर रोड पे ठहरी और कोई बच्चा छेड़ा चल मैं बोलते सामने लगे लगा के भागता तो एक

है क्या करे तू ऐसे है कौन तू चल मुण। चल मुण। <laughs> अरे ही ये क्या ये बुरा नहीं और क्या वो डर गया होगा अरे ये कहां से नासिक बट <laughs> यार आ, इंडिया में ना अंग्रेज लड़की गोरी लड़की फॉरेनर लड़की को देख के हर एक आदमी ऐसा करता है हाँ। फॉरेनर है फॉरेनर है हमको देखना समझना हमें बहुत समाज <laughs> आपको बहुत लोग ऐसा कभी परेशान करते हैं अभी ऐसा हिंदी अरे कड़क लग रही है यार एक हाँ। 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 मैं मैं हाँ। क्या करें क्या तू अरे नहीं नहीं, नहीं मैं, 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 कड़क ठंड लग रही है ना बट बट इट इज ट्रू ना कि इंडियन मैन आर थोड़े से डरपोक भी डर भी जाते हैं है तो अगर लाइन मारेंगे थोड़े बहुत लेकिन अगर तुमने गाली वाली दे दी ना

To to अच्छा रे <laughs> हर दो दिन को पानी पूरी गप 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 पानी पूरी पाव भाजी बिरयानी वो ये खींचते जारी spicy? आ, आ, के बड़े लेवल नहीं, म, मसाला नहीं अच्छा है और बाप्रे मसाला बाप्रे नहीं है तो खाना अच्छा नहीं है भाई लेकिन जब आप इनके अपने ससुराल जाते हो इनके उधर तो दामाद का कैसे वेलकम होता है इनका क्या खाना होता है अरे बेहतरीन तरीके से दामाद को तो जब जहां पर भी मैं सिगरेट मारने को या सिगरेट खरीदने को भी पान डब्बे पे दो गनमैना साथ में मेरे साथ ससुरे के जो गनमैना रहते हैं इधर उधर अरे मैं जंग लड़ने को नहीं जा रहा हूँ बत्ती मारने जा रहा हूँ जरा छोड़ो जी मेरे को बत्ती मार के आता बोलते तू यहीं बैठ लेके आता है गनमैन लेके आता बैठे बैठे सब पेम्पर के उधर मसला और उसके अलावा खाना क्या इनका फ्रेंच का मसला है तो वो जो लंबा सिक्स इंच एट इंच जो या बारह इंच का जो ब्रेड रहता वो खो ले अंडा डाले चीज डाले बैगन जो समझ में डाल दिए खींच दिए लंबा।, लंबा वाला उसको कट कर लेके गप 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 खा लो नहीं तो इनके कंटर में कुछ कुछ है कुछ कुछ खुशकुस हाँ खुशकुशी या कुछकुस बोलते तो वो एक मोटा रवा का बने हुआ रहता उपमा का बड़ा भाई समझो तेरा और मोटा उपमा वैसा उन मसाले मिसाले डाल के उसमें गोश घीश मैं गोश को साइड में के खाली उपमा खाएसा खा लेते किस पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता था हाँ, बहुत, बहुत. किस किस जलूस, बहुत जलूस किससे अभिषेक अभिषेक नहीं नहीं डालता था, <laughs> था बाहर रखता था मुंह अरे गोइंग टूर हाँ आई सॉ यू यू आर चेकिंग सम मेकअप और लिपस्टिक का कलर और हेयर When you go in the house. After big boss I check full clothes for him only. <laughs> <laughs> जो भी बिग बॉस के कपड़े थे बहुत हाँ, अच्छा आप भी ऐसे हम खाम खाम भाभी के पीछे पड़े हुए हाँ, भैया चौथा ये

How you go alone? <laughs> क्या? उसको समझ रही। लेकिन ने ने है। इसको एक hey! दस रुपए की चीज hey! सौ रुपए बता के hey! पागल भी बनाते ना बहुत सही बोला तो ये मेरा थिंकिंग है लेकिन इनको ऐसा लगता नहीं समय समझ हस्बैंड मेरी दान। 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 आ, 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 <laughs> अरे यार लेकिन भाई मम्मी को बहुत पसंद है आ, बिल्कुल एकदम दोनों का दोस्ताना है दोस्त के जैसा मसला कोई मसला नहीं है दोस्त के जैसा मसला है अरे वाह इन्हें क्या बोलती इनको नहीं मालूम इन्हें क्या बोलती उनको नहीं मालूम सास और के बीच में झगड़ा भी हुआ बैगन तो भी नहीं मालूम पड़ रहा घर में <laughs> 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 मम्मी अम्मा ऐसे कन्नड़ा में बोलती क्या हुआ, क्या इन्हें कुछ बैगन दोनों तो का क्रॉस कनेक्शन रॉन्ग नंबर समझ जी आ, अब ये तो सब समझ जाती है यार सब तो आप कुकिंग करती हैं हाँ क्या क्या बना लेती हैं समझ पोहा साउथ इंडियन पोहा समझो फॉर माय हस्बैंड अच्छा चाय चाय एवरीथिंग फॉर हिम ओनली भाई तो जब आज जैसे आप अभी हैदराबाद में आम आम ही रह रहे हो तो ये अपना खाना खाती है हमारा वाला कि अपना बनाती है नहीं इन्हें कभी कभी खुद का बनाती है कभी कभी नॉनवेज हम बाहर से मंगाते हैं उसके अलावा नॉनवेज का इनको खुद को पकाने भी आता प्लस बाहर से भी मंगाते हैं उसके अलावा इंडियन खाना मेरे लिए सीखी खासकर चपाती भिंडी तुरई ये सब मेरे को पसंद है और और बहुत कुछ कितनी, कितनी अलग सब्जी पसंद है बता भिंडी तुरई

अब क्या है सबको बैगन की इमोजी की समझ नहीं आती लोगों को बैगन की इमोजी गलत भी लगती है तो लोग बोल रहे है भाई ये क्या डाल वाले बैंगन भी डाल बहुत गैगन मोटे फिर भी ढेर लंबे तो इतने लगे ना अजीब क्या है भाई क्या तो लंबे वाले बैंगन थे अरे मैं मुंबई में शिफ्ट होने का प्लानिंग है आपका कुछ अभी जैसा मैं बोला थोड़ी देर पहले कि तीन बड़े चीजा आए आशीर्वाद से तो शिफ्ट होना बहुत जल्द है क्या बात है भाई अरुण भाई को फटाफट घर दे दो बॉम्बे में जिनके पास भी घर लेने जा रहे हैं अब मेरे को जो बिग बॉस से बाहर पैर रखा जो फैन का जो प्यार था जितने भी चाहने वाले थे जो हैदराबाद में मेरे को प्यार मिलता था अब वो मुंबई में मिल रहा है अब मेरे को फर्क नहीं दिख रहा बम्बई और हैदराबाद में ये भी मेरा एक दूसरा घर हो गया क्या बात बम्बई भी हैदराबाद हो गई हैदराबाद भी बम्बई हो गई भाई मुंबई देखना आपको कितना प्यार देगी कितना प्यार देगी क्योंकि मैं आज से चौदह साल पहले पंजाब से आई तो मुझे डर लगता था कि यहाँ पे अपने अलग लोग हैं टीवी वाले फिल्म वाले मैं पंजाब से आई हूं तो मुझे क्या एक्सेप्ट करेंगे लेकिन ऐसे करते हैं और ऐसे ही आपको बिग बॉस में प्यार मिला है और उसके बाद भी बाहें खोल के आपको प्यार मिलेगा शुक्रिया भाई बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया गेम खेलने के लिए कभी देखेंगे आपको बहुत जल्द बहुत जल्द अभी थोड़े बहुत बैक टू बैक धनादन कामा है जरा काम पहले बड़े भाई तो काम का जितना भी है सब शॉर्ट कर दे के मेरी फैमिली को एक दस पंद्रह दिन टाइम देना चाहता हूँ उसके yes. बाद गेमिंग का स्टार्ट बोला नहीं नो टाइम ओनली ही <laughs> नॉट गिविंग टाइम ओनली अरे बेब गिव मी टाइम आई मिस यू बेब थ्री मंथ वी नो मीट यू बेब अरे रुक जा रुक जा हाव इंटरव्यू रुक जारुक जारुक जा रुक जा रुक जा काल आ गया अरे क्या करे भाई यार बीवी बीवी यार। होती कोई भी लैंग्वेज वाली हो बीवी बीवी होती है हंड्रेड बीवी का खौफ जरूर है भाई बीवी का खौफ होना जरूरी है एक बात पूछनी आपसे अगर आपको किसी दिन अचानक से अरुण भाई सोरे और आपको फोन पे दिखे कि इनका चल रहा है बाहर किसी के साथ चक्कर तो आप क्या करोगे

रियल हाँ चीटिंग लफड़ा बाहर लड़की के साथ अभिषेक लाइक हल अभी शेख लाइक मैं मर गया यार।, यार. यार बहुत. मैं कभी मैं कभी ऐसा नहीं मैं मार देगा क्योंकि फिर मैं मर गया मैं मार देगा इसको भी और वो जो दिल दिल भेजा उसको भी गुस्सा ही चढ़ा दिया मुझे वन टाइम आई लुक ड्रीम ही cheating me. I got up, अप huh? Cheating me? मी यू चीटिंग हो गड़ में मार रही मेरे को एक बार सपने में आया करते वो जो जोक रहता है वो एक एक बार जोरों को सही में लगता भाई कि इनकी सपने में कुछ भी करे तो एक फख बोल के मार दे उसका वीडियो भी है मेरे पास एक <laughs> <laughs> मैं क्या करा भाई सपने में दिखा तो मैं क्या करा नहीं सपने में तू था कहते एंड ही वाज टॉकिंग विद मी रुक जा ड्रीम इन माय दिमाग नाउ लेट मी डिलीट दैट ड्रीम इन माय दिमाग यू डू चीटिंग इन <laughs> ये खतरनाक बीवी है सपना में नहीं, नहीं अब तो ऐसा हो गया कि पैर भी रखो तो पहले फूक फूक के रखो बाबा कसम सब फेमस फेमस होने के बाद तो बहुत ही संभालना पड़ता है भाई अभी आप फ्री हुए आपने कहा कि फैमिली को टाइम दोगे दस पंद्रह दिन तो आप अपनी कंट्री जाओगे कि नहीं अभी वेयर हिम वेयर मी वाह व्हाट इज देयर रिएक्शन इन योर कंट्री अबाउट अबाउट अरुण

नंबर 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 अगर की तरफ से बाहर इंटरनेशनल में भी था वोट करने का अगर वो जो जियो ऐप है अपना आ, तो अगर वो बाहर भी अगर वो अलाउ होता आ, तो वहां से भी दुनिया के वोट पड़ते थे आ, वो अपन दूसरे कंट्री में जियो ऐप खोल ही नहीं सकते नहीं खोल सकते नहीं,

लड़की लड़के से ज्यादा फेमस है और थी पहले अपनी कंट्री में मतलब ये अपने कंट्री की स्टार है यार वेरी गुड यार बहुत इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग सर्च करेंगे इनको देखना मलेक माशेट्टी से योर इंस्टाग्राम मलेक माशेट्टी मलेक माशेट्टी इंडिया नाउ आई स्टार्ट इन इंडिया ना इंडिया का अलग है इनके फॉरेन का अलग है मसला दो दो है इंस्टाग्राम इनके एक मलेक माशेट्टी मलेक अरफा दो है अरे वाह Oh, देखो लड़का सर्च भी करने लग गया okay. दोनों ही नीचे डाल देंगे जब आवाम को प्यार करते वो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हम भाभी के दोनों इंस्टाग्राम हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन uh, में डाल देंगे आप प्लीज जाके देखिए बंदी माय कितना 10 मिलियन देना है ऐसे wow. तो लग रहा है कि भाई आप उठ जाओ इनका कर <laughs> 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 क्या बात है यार That's भाई भाई आई लव आई लव इट आई शाजी आई डोंट वांट फेमस बिकॉज आई नो फेमस है ना वाह यार कितनी अच्छी बात है यार लड़की घर बार अपनी इतनी अच्छी कंट्री छोड़ के आ गई या आई शांत फुल माय वर्क देर माय वर्क व्हाट आई डू इन इंडिया ना फुल माय वर्क आई बट आई लव आई शाजी सौ बात की एक बात लोग इंडिया से बाहर जाते हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए इन्हें अच्छी लाइफ छोड़ के आई मेरे लिए इससे बढ़ के और कंट्री और डीआईजी की बेटी मादर फादर कर रही है, है? भाई और सास भी डॉक्टर है वो बच्चे पैदा करने का रहता ना वो गायनो गो गायनिक है तो घर में छो गया कि वकील है इन्हें घर वाले वकील है तो वकील भी आ गया पुलिस वाला भी आ गया डॉक्टर भी आ गया सब यही है घर में इनकी. इनके सारे बड़े बड़े निकले हमारे चोर ये हमारे घरों में निकलते चोर वो कौन थे चाचा जी वो तो कातिल थे ना इनके डॉक्टर भाई वाह क्या बात है यार बड़ी अच्छी जोड़ी है मतलब ऐसे लग रहा है की आपके लिए कोई और बनी नहीं थी यही है और आपके लिए भी कोई और नही था यही है. क्या बात है क्या बात है

बहुत लकी है क्योंकि जो हमारे इंडियन मर्द होते हैं ना वो प्यार बहुत करते हैं चाहे माँ हो अपनी चाहे बहन या बीवी बहुत प्यार करते हैं अरे बीवी के लिए तो माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाते हैं तो आपको बहुत लकी इंसान मिला है यू आर वेरी लकी ऑफकोर्स और फोन चेक करते रहना हाँ लकी बट नॉट

तो मेरे को लगता कि मतलब मेरे को सच में लगा था कि इनका बेचारे का काम गेमिंग का ही होगा ये छुपना जो पैसा कमाने दे क्योंकि ये पूरा सच में बाबूलाल की तरह घूमते थे जितने, जितने आदमी मारे पर पर आदमी पैसा हाँ हेरा फेरी वाला बाबू राय नहीं होता पजामा और ए चलना वो ऐसे वाले लगते थे मुझे लगता बहुत ही जरूरत है भाई ये तो हाँ, नहीं मतलब विक्की भैया कानदारी लोग अमीर और भी थे बिग बॉस में जिन्होंने बताया ही नहीं बाद में पता रिंकू जी भी कहीं की महारानी थी <laughs> बट रिंकू जी कैसी थी रिंकू जी जरा बहुत अच्छी थी लेकिन जरा बायस 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 थी थी बायस सीजन था तो रिंकू जी अभिषेक और मुनावर की तरफ जरा बायस हाँ। थी ज्यादा जिगना जी जिगना जी का तो अलग ही था मसला उनका मुना, मुनावर के साथ जरा ज्यादा था समझो कहीं ना कहीं घर में एक एक हिसाब से अरे मुनावर फारूकी ऐसा था मसला भाई जो है रियल रहो ना अगर गलत करा तो गलत करा सही करा तो सही करा दंके की चोट पे मुंह पे बोलो मैंने कोई अनशन न शो जीत के आ जाते कदाय एक मिनट जिस अनशन शो को कह रहे हैं वो ये था आ तो मेरे को क्या पता मैं उनको नहीं बोल रहा मैं उनको बोल रहा <laughs> वो हमारे सामने हुआ था <laughs> वो हम ही थे उधर अच्छा। बैकस्टेज में हम ही थे उधर खड़े अच्छा। थे <laughs> मजा आ गया बट सच अच्छा। में यार अरुण भाई आपको देख के बिग बॉस में अलग ही बहुत ऐसा नहीं कि लोग आपको जानते जानते तो हैं लेकिन लड़के बहुत जानते थे अब फैमिलीज जानने लग गई है और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी फैमिली के फेवरेट हो जाते हो ना तो आपको जिंदगी में कोई फ्लॉप नहीं कर सकता जी, जी, जी. So, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ है बेस्ट कपल गॉड ब्लेस यू आप दोनों ऐसे ही काम करते रहो जब कपल कोई एक साथ काम करता है ना तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि पावर बढ़ जाता जाता है like है लाइक डबल कंफर्टेबल भी हो जाता काम में कि टेंशन नहीं है घर वाली भी साथ में है पूरा एकदम घर के हंड्रेड परसेंट दे सकता है काम पे Yes. तो आप भी अपना हंड्रेड परसेंट दीजिए लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करिए भारतीय yes. और आज अगर आपको अरुण भाई का पॉडकास्ट भाभी के साथ अच्छा लगा है तो बैंगन के साथ एक वाइट रसगुल्ला <laughs> जरूर <laughs> कमेंट में लिखिएगा <laughs> भाभी, दिस स्टोरी आर पूरा you know, oh. डिटेल में दीसे, हमारा दीसे? जो लव स्टोरी था डिटेल में अब तक का मेरे फैंस को कभी बोला नहीं हो बहुत लोग अरुण भाई भाभी कैसा मिले अरुण भाई भाभी कैसा मिले अरुण भाई भाभी कैसा मिले हम जो yes. खुले हैं आज आपके पास बोले हैं ऑडियंस oh, को याद बोला है यार। So भाभी पहले की स्टार है पहले की आशा पारक टाइप स्टार <laughs> तो भाभी के दोनों इंस्टाग्राम हैंडल इंडिया और बाहर का हम मेंशन कर देंगे आप जाके देखिए भाई बहुत बड़ी स्टार है और लाइक कीजिए बाकी अरुण भाई कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं तो बाहें खोल के उनका भी बहुत बहुत स्वागत कीजिए और वेलकम करिए और हम तो वेट कर रहे हैं अचानक भयानक गेमिंग में वापस और मैं भी चाहता हूँ की हर्ष भाई भारती जी एक बार गेमिंग का लाइफ हम जो निकालते हैं आप लोग भी एक बार एक्सपीरियंस करें मेरे साथ एक गेमिंग हो जाए साथ में मिल के कर देंगे बैगन में मिला देंगे बैगन में मिला दे अरुण भाई माँ बहन रेख करते मतलब जिनकी माँ और बहन लड़ी हुई है हम दोनों को मिला देंगे माँ बहन एक करके खेलेंगे एक कपल और एक एक कपल मिलके पब्जी में जो हम खेलते हैं चार चार का चार। रहता है तो एक और दो ये 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 तीन मिलके मारेंगे डन डन इनकी टीम क्योंकि ये गाली आ, देगी ना सबको सब हारेंगे <laughs> तुम लोग शर्म के मारे दो गई नहीं ये मेरी टीम है भाभी है बहुत मजा आया लगा ही नहीं पॉडकास्ट किया ऐसे लगा चाय वाय पी के निकल रहे हैं लोग थैंक यू सो मच एलो पॉडकास्ट देखते रहिए और भारतीय टीवी को सब सब्सक्राइब करना भूलिए